नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। धार्मिक स्थलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों के बाद मनपा ने भले ही उस समय की सुनवाई में आंकड़ों सहित जानकारी उपलब्ध कराई हो, लेकिन अब पुनः धार्मिक स्थलों को लेकर मनपा मौन है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में भी प्रशासन द्वारा अधूरी जानकारी दी गई। आरटीआई कार्यकर्ता अभय कोलारकर ने सिटी में 30 अप्रैल 2022 तक के धार्मिक स्थलों की जानकारी मांगी थी। इन धार्मिक स्थलों में अनधिकृत और अधिकृत का आंकड़ा उजागर करने का अनुरोध भी किया गया था। इस पर प्रशासन की ओर से सिटी में 121 धार्मिक स्थल अनधिकृत होने का हवाला तो दिया गया, लेकिन कुल कितने धार्मिक स्थल है इसकी जानकारी नहीं दी गई। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी कि 30 अप्रैल 2022 तक कितने धार्मिक स्थल मनपा की जमीन पर बने हैं, कितने धार्मिक स्थल ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं और कितने ट्रस्टों ने अपने अधिकार वाले धार्मिक स्थलों के निर्माण को नियमित किया है। इसके अलावा मनपा ने धार्मिक स्थलों को लेकर कब सर्वे किया, इसकी भी जानकारी मांगी गई। ईंधन समायोजन के नाम पर 5 महीनों के लिए लगभग 20% बिजली दर बढ़ोतरी को महावितरण की मांग पर मर्क ने मंजूरी दे दी है। राज्य भर के 3.25 करोड़ बिजली ग्राहकों की जेब पर इसका भार पड़ रहा है। महाराष्ट्र बीज ग्राहक संगठन के अध्यक्ष प्रताप कुगड़े ने आरोप लगाया है कि बीते दिनों अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड कंपनी से जो हाइड्रो पावर निर्मित करार हुआ है, उसकी अदायगी के लिए ग्राहकों पर ये भार लादने का काम किया गया है। जून से अक्टूबर 2022 इन 5 महीनों तक हर महीने ग्राहकों से 1,300 करोड़ रुपए के लगभग वसूली महावितरण करेगी। जून का बिल भी बढ़ी हुई दर से आना शुरू हो गया है। यह अतिरिक्त बोझ प्रति यूनिट लगभग 1.30 रुपए है। ओगाड़े ने दावा किया कि गर्मी के दिनों में 3 महीनों में महावितरण ने सिर्फ 1,450 करोड़ रुपए की बिजली ओपन मार्केट से खरीदी थी और उसे इतनी ही रकम नियमानुसार ग्राहकों से वसूल करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद करीब 5 गुना अधिक वसूली को मंजूरी दी गई। महावितरण द्वारा मार्च से मई 2022 तक इन 3 महीनों के काल में ओपन मार्केट से बिजली खरीदी गई ताकि लोड शेडिंग की नौबत न आए। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत इतवारी छिंदवाड़ा रूट पर भारी बारिश के कारण भीमालगुंदी और भंडारकुंड के बीच रेल पटरी के नीचे से मिट्टी बह गई। इस घटना के चलते ट्रेन नंबर 08265 इतवारी छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन को 2 घंटे तक रामाकुना स्टेशन पर रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में सौंसर क्षेत्र में मंगलवार को पूरा दिन भारी बारिश होती रही। इस दौरान भीमालगोंदी और भंडारकुंड के बीच पोल नंबर 1309 के ठीक पास पटरियों के नीचे की मिट्टी बह गई। इसके चलते करीब 9 स्लीपरों की पकड़ ढीली हो गई। जानकारी मिलते ही इंजीनियरिंग विभाग और ट्रैक मेंटेनेंस की सुधार कार्य टीम भी पहुंच गई। वहीं रेलवे सुरक्षा बल का स्टाफ घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। इस दौरान इतवारी से चलकर छिंदवाड़ा जा रही ट्रेन 08265 पैसेंजर ट्रेन को रामाकोना में ही रोक दिया गया और ट्रेन अपने निर्धारित समय 5:30 बजे से पहले ही 55 मिनट की देरी से चल रही थी। करीब 3 घंटे तक चले सुधार कार्य के बाद शाम 6:30 बजे रामाकोना पहुंची पैसेंजर को 2 घंटे बाद रवाना किया गया। यदि समय पर घटना का पता नहीं चलता तो सुधार कार्य नहीं किया जाता तो यहां से गुजरने वाली ट्रेन उक्त पैसेंजर ही थी। एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जो टल गई। जून से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्थिति यह है कि अब आंकड़ा हर दिन 100 के पार आ रहा है। अब तक गंभीर मरीजों की संख्या अधिक नहीं रही, वही मृत्यु दर भी कम है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो त्योहारों के इस सीजन में संक्रमण जोर पकड़ सकता है। यही वजह है कि सावधानी और सतर्कता अब जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बार कोरोना के मरीजों में सामान्य लक्षण देखने को मिल रहे हैं, वही रिकवरी भी तेज हो रही है। ऑक्सीजन की कमी वाले मरीज ज्यादा नहीं है, वही वे लोग जो शुगर सहित अन्य बीमारी से ग्रसित है उनकी रिकवरी में समय लग रहा है। अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। गुरु पूर्णिमा के साथ ही अगले महीने तक अनेक त्योहार आएंगे। त्योहारों में लोगों का एक से दूसरी जगह आना जाना होता है, इसी वजह से कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ सकता है। बीमारी से बचने के लिए अब सतर्कता बरतना जरूरी है। कोरोना के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन टेस्टिंग अधिक होती है उस दिन संक्रमितों की संख्या भी बढ़ जाती है। सिटी में गत 2 दिनों से दोपहर को हो रही झमाझम बारिश का असर न केवल आम जनजीवन पर पड़ रहा है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मनपा की ओर से प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ शुरू किए गए अभियान पर भी खासा असर पड़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को सिटी के 9 जोन में दस्ते तो सक्रिय रहे, लेकिन दिन भर में केवल 11 प्रतिष्ठानों के खिलाफ ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका। बताया जाता है कि मंगलवार को केवल नेहरू नगर जोन अंतर्गत किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अन्य जोन के अंतर्गत आने वाले कई प्रतिष्ठानों को खंगाला गया है।
मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के आदेशों के अनुसार फिलहाल एनडीएस दस्ते की ओर से भले ही प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा हो, लेकिन जोन में घुसते समय कई जगहों पर गंदगी और सड़कों पर निर्माण सामग्री रखे जाने को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। आश्चर्यजनक है कि अवैध बिजली कनेक्शन या बिजली चोरी को लेकर अब तक केवल बिजली विभाग की ओर से ही कार्रवाई होती रही है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान अंतर्गत कामठी के वार्ड 9 में इकोलॉजिकल फाउंडेशन की ओर से दुकानदारों को 50 डस्टबिन और 2000 इको थैली निःशुल्क वितरण कर उन्हें कचरे के उपयोग के बारे में सलाह देकर जागरूक भी किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि दुकानों का कचरा नाली सड़कों या इधर उधर डालने से भारी बारिश में इसी कचरे के कारण सीवेज प्रणाली जाम हो जाती है, जिससे सड़कों पर गंदगी का माहौल बन जाता है। इससे शहर में बीमारी फैलने की संभावना भी बढ़ती है, इसलिए डस्टबिन या थैली में जमा कचरा प्रशासन की कचरा गाड़ी में डालना चाहिए। कार्यक्रम के सफलतार्थ इकोलॉजिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक चिमनकर, सचिव डॉक्टर शैलेश बहादुरे सहित पदाधिकारीगण नियाज अहमद, इमरान अहमद, उमेश गोड़बोले, अमर वाघमारे, अब्दुल करीम, शहनाज आलम, मोहम्मद वसीम, अंकित ढोके, अंकित पाटिल, शहबाज अख्तर एवं बाबा अहमद ने सहयोग किया। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम्स रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर एल्युमिनियम R&D सेंटर और खान मंत्रालय ने प्रतिनिधियों ने प्राइम्स SAM प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। PSPL एक भारतीय स्टार्टअप मान्यता प्राप्त MSME प्रमाणित कंपनी है, जो खनिज और जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास, लाभकारी कार्यक्रमों में विशेषज्ञता, ड्रोन इस्तेमाल के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक, GPS आदि क्षेत्रों में महारत रखती है। JNARDDC के निदेशक डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री और PSPL के MD और CEO मधु के नायर ने MT निमजे, R श्रीनिवासन और आदित्य सिंह के उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए अनुसंधान एवं विकास और विश्लेषणात्मक सेवाओं के क्षेत्र में दोनों कंपनियों को पारस्परिक रूप से लाभकारी वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक गतिविधियों को स्थापित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही कोयला और लिग्नाइट सहित विभिन्न खनिजों में दीर्घकालिक सहयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास और पारस्परिकी और क्षमता निर्माण की परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। रामटेक तालुका में किसानों को फसल ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा टालमटोल किया जाता है। फसल ऋण मांगने आए किसानों को बैंक से प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। राष्ट्रीयकृत बैंक के संबंधित अधिकारी ऋण देने से बच रहे थे, मूलधन और ब्याज दरों पर भी उचित जानकारी नहीं देते थे। इसको लेकर किसानों की ओर से कई शिकायतें की जा चुकी है। किसानों की उपरोक्त शिकायतों के बाद विधायक आशीष जायसवाल ने रामटेक के तहसीलदार को इस मुद्दे पर बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। तदनुसार रामटेक तालुका में नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सभी राष्ट्रीयकृत और शाखा प्रबंधकों के साथ तहसीलदार और सहायक रजिस्ट्रार रविंद्र बसु ने खरीफ ऋण वितरण के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी बैंक प्रबंधकों को फसल ऋण वितरण को लेकर किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में तहसीलदार बाला साहेब मस्के, सहायक रजिस्ट्रार रविंद्र बसु, युवा सेना के उप जिला प्रमुख कमलेश शरणागत, विधायक आशीष जायसवाल के निजी सहायक अमित खजूरे और सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। ताई गोलवरकर महाविद्यालय में हर साल बारिश के मौसम में वृक्षारोपण किया जाता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी ताई गोलवरकर महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना, शारीरिक शिक्षा विभाग, बॉटनिकल सोसाइटी, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ तथा रसायन शास्त्र विभाग की ओर से महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश सिंगरू, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, बॉटनिकल सोसाइटी के सचिव प्राचार्य स्वतंत्रता शर्मा, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ के समन्वयक प्रोफेसर हर्षवर्धन खोबरागड़े, रसायन शास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर संतोष जेठे, प्राणी शास्त्र प्रमुख डॉक्टर विजय राउत, ग्रंथपाल प्रमुख प्रोफेसर उज्ज्वला देवरणकर, डॉक्टर संदीप बंडे, डॉक्टर सुशील लोनकर, डॉक्टर पंकज रामटेके, प्रोफेसर श्रीकांत चौधरी, डॉक्टर राहुल हंगरगे, प्रोफेसर स्वाति तांडेकर, प्रोफेसर शुभांगी खोबरागड़े, डॉक्टर देशपांडे, प्रोफेसर शेंडे, उमेश गयगये, राहुल गराडे, देवेंद्र अवथरे, तिलक नायकवार, विनोद मुदलियार, रूपेश राउत, शरद इस अवसर पर उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है।
मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागपुर की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले यह कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और मंगलवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 680 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक 10 जून में 465 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ आज नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 103 शिकायतों में से 41 धर्मपेट जोन में, 61 में से 51 हनुमान नगर जोन में, 243 में से 211 धंतोली जोन में, 80 में से 36 तथा नेहरू नगर जोन में 49 में से 29 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। इसी तरह गांधीबाग जोन में प्राप्त 35 शिकायतों में से 33 सतरंजीपुरा जोन में, 43 में से 26 लकड़गंज जोन में, 7 में से 6 असीम नगर जोन में, 45 में से 21 तथा मंगलवारी जोन में 14 में से 11 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। नागपुर में सोमवार 11 जुलाई और रविवार 10 जुलाई को लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। नागपुर महानगर पालिका ने शहर में आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इस कंट्रोल रूम में मिली शिकायतों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तात्काल कार्रवाई की जा रही है और नागरिकों को राहत मिल रही है। सोमवार 11 जुलाई को शहर भर से जल जमाव और पेड़ गिरने की शिकायतों पर तात्काल कार्रवाई की गई। पेड़ गिरने से संबंधित शिकायतें सक्करदरा जोन के अंतर्गत रामभाऊशाला, गांधीबाग जोन के अंतर्गत महाल बाजार स्थित डीपी पर पेड़ गिरने के संबंध में शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित जोन टीम के द्वारा तात्काल कार्य किया गया और सड़क को यातायात के लिए खाली कराया गया। लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत प्रताप नगर स्थित कैनरा बैंक के पास शिवमुद्रा अपार्टमेंट का बेसमेंट, लकड़गंज जोन के अंतर्गत भांडेवाड़ी रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती मकान, आशीनगर जोन के अंतर्गत कोराडी रोड स्थित ओम साई नगर में और नेहरू नगर जोन के अंतर्गत दिघोरी योगेश्वर नगर में पानी जमा होने की शिकायतें मिली थी। स्थानीय जोनल टीमों द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। सिटी में एक और जहां कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं पर अब बारिश शुरू होने के बाद से लगातार डेंगू के मरीजों में वृद्धि होते जा रही है। गर्मी के दिनों में कूलर लगाने के बाद टंकियों में पानी जमा रहने तथा बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर पानी जमा होने के कारण डेंगू की इल्लियां पैदा होने की जानकारी मनपा की ओर से उजागर की गई। यही कारण है कि अब डेंगू प्रतिबंधनात्मक उपाय योजनाओं को लेकर जोनल स्तर पर घरों में जाकर सर्वे होने की जानकारी हिफदाब हत्तीरोग अधिकारी जासमीन मुलानी ने दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सभी जोन में टीमों की ओर से कुल 4,161 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें 130 घरों में डेंगू की इल्लियां पाई गई। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी जोन में टीमों ने 10,225 कंटेनर, 1,565 कूलर्स की जांच की, 130 घरों में 144 कंटेनर तथा 72 कूलर में डेंगू की इल्लियां पाई गई है। इसके अलावा सर्वे के दौरान डेंगू के कारण बुखार के मरीज भी मिले। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए कला मंच परिवार द्वारा गोदनी स्थित डाटियस विल्किसन स्कूल के जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मंच पर सक्करदरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी, स्कूल की वार्डन रुथ, कवि अनिल मालोकर, विपिन लुथरा, साधना लंगर सेवा के अध्यक्ष गोपी चंद भांधकर, मानसी भांधककर और कला मंत्र के संयोजक नरेंद्र सतीजा उपस्थित थे। बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए मालोकर ने कहा कि माता पिता ही हमारे भगवान हैं। मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी है कि माता पिता की सेवा, हमेशा बिना भेदभाव के मिलजुल कर रहे। उन्होंने हास्य व्यंग की रचनाएं प्रस्तुत कर समा बांध दिया। बच्चों ने भी आकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी बच्चों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र सतीजा ने किया। आभार कांचन ने माना। कार्यक्रम में डॉक्टर आशीष मोदी, पद्मश्री सारडा, संतोष बुधराजा, विलास वैतागे, अशोक बाम, योगेश दिवरे, श्रीकांत मेश्राम आदि का सहयोग रहा।
पूर्व नागपुर गोमती होटल के पीछे पूर्व नेताजी नगर में श्री साई सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित साई मंदिर के 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ है। द्वितीय दिवस बुधवार 13 को साई अभिषेक, श्रृंगार दर्शन, शाम 7 बजे महाआरती, प्रसाद वितरण, भजन संध्या का आयोजन होगा। समापन दिवस गुरुवार 14 को प्रातः 6 बजे काकड़ आरती, प्रातः 7 बजे श्री साई अभंग स्नान, श्रृंगार आरती, शाम दर्शन, शाम 4:30 बजे श्री साई पालकी शोभा यात्रा, नगर भ्रमण, शाम 7 बजे महाआरती, प्रसाद वितरण, भजन संध्या का आयोजन होगा। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास ने उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों में सभी भक्तगण से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। सभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र नागपुर का दौरा किया। प्रारंभ में डॉक्टर A.S. राज क्षेत्रीय निदेशक RCONF ने सांसद को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और केंद्र की डायरी पेश की। संदीप सरोदे अध्यक्ष जिला किसान मोर्चा सहित पूरी टीम का स्वागत किया गया। डॉक्टर राजपूत ने केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों का परिचय दिया। बाद में डॉक्टर राजपूत ने सांसद को केंद्र की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने FCO 1985 के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियां, PGS इंडिया जैविक प्रमाणीकरण, हितधारकों को विशेषकर किसानों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसे मामलों पर विशेष रूप से प्रकाशन डाला और केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भारत सरकार की विभिन्न जैविक योजनाओं जैसे PKVYE, CISS, NPOF आदि के कार्यान्वयन की निगरानी के बारे में भी बताया। डॉक्टर बोंडे ने केंद्र के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है और नागरिकों के साथ साथ किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रतिपादित किया कि हरियाली से ही खुशहाली संभव है। माल एवं सेवा कर GST परिषद द्वारा प्रतिदिन 1,000 रूपए से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12% की दर से GST लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसे आगामी 18 जुलाई से संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। नागपुर रेसिडेंशियल होटल्स एसोसिएशन NRHA द्वारा 18 जुलाई से संपूर्ण देश में लागू हो रहे संशोधित GST प्रावधानों से होटल व्यवसायियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर कार्यशाला का आयोजन होटल ब्रिज इन गणेशपेट में किया गया। इस मंच पर प्रमुख रूप से GST विशेषज्ञ व शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश मेहता, NRHA के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह रेनू, निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश त्रिवेदी, उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बावेजा, सचिन दीपक खुराना, कोषाध्यक्ष विनोद जोशी, सहसचिव द्वय नितिन त्रिवेदी व अफजल मीठा उपस्थित थे। CA रितेश मेहता ने GST के प्रावधानों में किए गए बदलाव की विस्तृत जानकारी देते हुए सदस्यों को बताया कि पहले रूम ट्रैफिक 1,000 रूपए तक GST में दी गई थी, जिसे 18 जुलाई से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जिन होटल्स का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, उन होटल्स पर यह नियम लागू नहीं होता है तथा उन्हें GST पंजीकरण कराने की भी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली NCR क्षेत्र में हाल ही में आयोजित एग्जीबिशन एक्सलेंस अवार्ड कार्यक्रम में शहर की एक प्रतिष्ठित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी MM एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को 3 उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए। एग्जीबिशन एक्सलेंस अवार्ड भारतीय प्रदर्शनी उद्योग के गुमनाम नायकों को पहचानने और उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। 8 जुलाई आयोजित एग्जीबिशन एक्सलेंस के 6ठे वार्षिक संस्करण का आयोजन किया गया। इस पहल को कौशल्य विकास और उद्यमिता मंत्रालय समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग निकायों का समर्थन हासिल है। इस अवार्ड के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजकों द्वारा 45 श्रेणियों में नामांकन दाखिल किए गए थे। 500 से अधिक प्रदर्शनी आयोजकों, व्यापार और पेशेवर संघ, व्यापार निकायों, PCO, कार्यक्रम स्थलों और MICE शेयर होल्डर्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा रेलवे स्थानों में यात्रियों को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराने तथा उपलब्ध यात्री सुविधाओं में उद्यन के उद्देश्य से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में आमगांव रेलवे स्टेशन में 50 मीटर 64 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 मीटर चौड़े पैदल पुल का निर्माण किया गया है, जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 तथा 4 से जोड़ा गया है ताकि यात्रियों को एक
प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आने जाने में सुविधा हो। इसके अतिरिक्त इतवारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 में 2 प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान किया गया है ताकि रेलगाड़ी की प्रतीक्षा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही इतवारी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग सुविधा वाला एक शौचालय ब्लॉक उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा इतवारी स्टेशन के उत्तर की और परिक्रमण क्षेत्र को अतिरिक्त प्रवेश निकास के साथ सड़क चौड़ीकरण किया गया। साथ ही यात्रियों के सुविधा हेतु दुपहिया व चौपहिया वाहनों हेतु पार्किंग क्षेत्र में वृद्धि की गई। सड़क की सतह को और अधिक विकसित किया गया है जिससे यात्री को स्टेशन में आवागमन के दौरान कोई असुविधा न हो। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 1918 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल 1,41,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 3,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।